फांसीवाद का जो दमन चक्र हम लोगों ने देखा है, एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए कि इस 2019 के चुनाव में हर कीमत पर मोदी की घर वापसी तय हो चुकी है। यह बात आप लिख के रखिए और उसका एक सिंपल कारण आपको बताता हूं कि मोदी और एनडीए को जिन 69% लोगों ने पिछले चुनाव में वोट नहीं दिया था, इस बार उनके लिए कोई कारण नहीं बनता कि इस बार वो वोट करें। लेकिन जिन 31% लोगों ने मोदी और एनडीए को वोट किया था, वो किसानों की आत्महत्या, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, रफाल, भ्रष्टाचार और 2 करोड़ रोजगार के सवाल के चलते इनका ये जो 31% है वो पूर्ण रूप से हिल चुका है। और इसीलिए अब कोई असमंजस में ना रहे, मोदी की घर वापसी निर्विवाद तौर पे तय है। मामला सिर्फ इतना है कि हम लोग उनको गुजरात में रखना नहीं चाहते। और आज जब इन संघी भाजपाइयों की सरकार नहीं बन गई, तब सबसे महत्वपूर्ण बात कहना यह चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, जो भी सत्ता में आए, मोदी और एनडीए को भगाने के बाद उस सरकार को पहला काम यह करना पड़ेगा जो 24 लाख गवर्नमेंट जॉब सेंक्शन करके रखी है, उसको पहले 100 दिन के अंदर उसको भर्ती किया जाए, उसको फिलअप किया जाए। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट हमारा डिमांड रहेगा। नई जो भी सरकार बने, इन फांसीवादियों को भगाने के बाद, और यदि वो सरकार भी रोजगार गारंटी का कानून लेकर नहीं आती, और यदि 100 दिन के अंदर ये 24 लाख नौकरियों में भर्ती नहीं करती, तो दोबारा इसी पार्लियामेंट सीट पर हम लोग जमा होंगे इसी यंग इंडिया के बैनर के तले। ये बात हमको तय करके जाना है। साथियों, हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार का प्रॉमिस दिया, इस झूठ के शहंशाह ने 4.5 साल के दौरान कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन उसका 10% 10 लाख होता है, उसका 1% भी रोजगार नहीं मिला। 24 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई। आज हम जानते हैं कि इस मुल्क की 70-80% आबादी रोज के 20 रुपए में गुजारा करती है। एक आंकड़ा यह कहता है कि इस मुल्क में 84 करोड़ लोग रोज के 20 रुपए में जीते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा आबादी चौल, झोपड़पट्टी और फुटपाथों में जीती है। 60 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को मिनिमम वेज तक नहीं मिलता। तो इस परिस्थिति में सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि नरेगा को दुरुस्त करते, उसके बजाय मोदी की सरकार ने नरेगा में जो बजट की रिक्वायरमेंट है उसका उल्टा कर दिया। 76,000 करोड़ मोदी अलोकेशन करने को तैयार नहीं। तो हमारी ये भी डिमांड होनी चाहिए कि नरेगा के कानून को मजबूत करे, 100 दिन के बजाय 200 या 300 दिन का नरेगा हो, बल्कि भविष्य में ऐसा कानून बने कि 365 दिन हमको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जो रोज मिले उसी को रोजगार कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सारे विपक्ष के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करने के लिए उनके पीछे सीबीआई को छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के वहां सीबीआई को भेजा, सीबीआई के नाम से मायावती जी को डराते हैं। अखिलेश यादव जी के वहां भेजा, लालू प्रसाद यादव जी के वहां भेजा, ममता बनर्जी के वहां भेजा। हमको ये सवाल करना है कि यही सीबीआई नीरव मोदी, मेहुल चौकसी,
शाह, जतिन मेहता, संदेश शाह और विजय माल्या के घर क्यों नहीं भेजी जाती? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। जिन चीट फंड की कंपनियों के विक्टिम्स के लिए भाजपा के सारे प्रवक्ता न्यूज चैनल्स पे सिंपथी दिखा रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ एक मिनट में एक बात रखना चाहूंगा। ये कितना बड़ा झूठा हमारे सर पर बैठा है। ब्लैक मनी लाने का वादा किया, काले धन को वापस लाएंगे, 56 इंच का सिरा फूला फूला कर पूरी दुनिया ने ढिंढोरा पीट कर कहा कुछ भी हो जाए काले धन को वापस लाऊंगा। पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी इस मुल्क के 6.5 करोड़ इन्वेस्टर्स को लूटा, एक का दो करने के नाम से पैसा कलेक्ट किया और एज एक्सपेक्टेड अचानक एक दिन ताला लगाकर माल्या की तरह भाग गई। अनगिनत हजारों की तादाद में लोगों ने पूरे देश में मुकदमे दर्ज किए। फाइनली मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट का 2 फरवरी 2016 को जजमेंट आया कि इस PACL नाम की कंपनी ने जिन 6.5 करोड़ लोगों को लूटा है उसकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी करके उनका एक एक पैसा वापस करो। CBI का एस्टिमेट ये कहता है कि इस PACL की सारी एसेट्स, सारी प्रॉपर्टी की नीलामी होती है तो अमाउंट विल गो अराउंड 1.86 लाख करोड़। जिन 6.5 करोड़ लोगों को पैसा वापस करना है वो अमाउंट होता है 49,000 करोड़। मोदी जी एक पैसे की नीलामी नहीं कर रहे, ये इनका असली चरित्र है। साथ में मेरी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार दलित, आदिवासी, बहुजन, मासीस में जितने भी एकलव्य हैं उनका अंगूठा काटने का ये फॉर्मूला जो लेकर आए हैं 13 पॉइंट रोस्टर, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ साथ आनंद तेल तुमने और भीमा गोरे गांव में 2 अप्रैल की भारत बंद के दौरान जितने भी प्रगतिशील मानव अधिकार के कार्यकर्ता और अम्बेडकर राइट्स की फर्जी मुकदमों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, फर्जी मुकदमे लगे, इन सारे केसेस को भी वापस लिया जाए। यंग इंडिया के बैनर के तले ये मार्च हुआ। और साथियों इतना कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि न्यू इंडिया कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट एनाइलेशन ऑफ कास्ट, एंड एनाइलेशन ऑफ कास्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंटर कास्ट मैरिजेस। इसलिए 14 अप्रैल को भी सेलिब्रेट करिए, 14 फरवरी को भी सेलिब्रेट करिए। प्यार इस बहुत जिंदाबाद।